डियर फ्रेंड, आज मैं आपके सामने राइमर टीमन रिएक्शन के मैकेनिज्म और रिएक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी जेई के लिए भी और सीबीएसई के लिए। देखिए, राइमर टाइमन रिएक्शन है क्या, पहले इस पे देखते हैं। मैं इसे वन लाइन में पहले रिएक्शन लिखता हूँ, फिर आपको मैकेनिज्म डिटेल बताऊँगा। देखिए, हमारे पास ये फिनॉल है। कहते हैं जब फिनॉल को अगर आप CHCl3 और एक्वस NOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये ख्याल रखिएगा एक्वस लिखा है मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, तो आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा ONA और यहाँ पे आपके पास CHO। सेकेंड अटेम्प्ट में दोबारा एसिड से हाइड्रोलिसिस करेंगे अगर आप इसकी, तो यहाँ पे आपके पास OH और CHO बनता है। अगर फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड, उसे कहते हैं साली सी एल डी हाइड, जैसे कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड भी कह सकते हैं। तो फिनॉल से सैलिसाइल डिहाइड वो रिमेट टीमेन होता है, फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड कोल्ब्स रिएक्शन होता है, मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया है। फिनॉल टू सैलिसाइल डिहाइड, ऐसा फिनॉल टू सैलिसाइल डिहाइड इज कॉल्ड सैलिसाइल डिहाइड एंड फिनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड इज कॉल्ड कोल्ब्स रिएक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एज वेल एज सीबीएसई एग्जाम। अब देखते हैं मैकेनिज्म क्या कहता है, इसमें मैकेनिज्म पे हमें ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इसमें देखिए कैसे रिएक्शन होते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर वन याद रखना है आपको क्या होता है, जब आप फिनॉल लेते हैं पहले NOH से रिएक्शन करेगा ये, क्योंकि जाहिर सी बात है फिनॉल हम सब जानते हैं कि एसिडिक नेचर है, जैसे ही बेस से मौका मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस यहाँ से वाटर फॉर्म करता है। अब आएंगे स्टेप नंबर टू में, हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखिए कैसे जनरेट होता है, आप जानते हैं कि हमारे पास NaOH प्रेजेंट है और हमारे पास HCCl प्रेजेंट है, Cl प्रेजेंट है। जाहिर सी बात है Cl तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ पुल करने की कोशिश करेगा, तो इस हाइड्रोजन पे चार्ज प्लस आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, तो ये इसको H प्लस आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो आपके पास कुछ ऐसा देखिए कंपाउंड बनेगा Cl प्लस, यहाँ पे आपके पास वाटर, और देखिएगा यहाँ पे Na प्लस आयन बचा हुआ भी रहेगा। फिर क्या होता है कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ से पुल करता है, तो आपके पास कुछ ऐसा कोई कंपाउंड बनेगा दैट इज़ कॉल्ड CCl2 कहते हैं, और प्लस यहाँ पे आपके पास जो Na बचा हुआ था वो Cl से कंबाइन करेगा NaCl, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इस इलेक्ट्रोफाइल का नाम होता है कार्बीन, दैट इज़ कॉल्ड कार्बीन। ये सिंगल रिएक्शन मुझे अब तक मिला है इसमें NCERT के अकॉर्डिंग CBSE सिलेबस में, जहाँ पे कार्बन इंटरमीडिएट फॉर्म आते हैं। इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज गौर कीजिएगा इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, दो चार दो छः, मात्र इसके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब अगले स्टेप में आएंगे, स्टेप नंबर थ्री पे आप आ जाइए, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो जो आपने सोडियम फिनॉक्साइड लिया था उस पर अटैक करेंगे, जाहिर सी बात है ऑर्थो पे H प्रेजेंट है और यहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो CCl2 जो हमारे पास प्रेजेंट है ये अटैक करेंगे बेंजीन के पाई बॉन्ड पे, पाई क्लाउड पे। देखिए ये सेम रिएक्शन कोल्ब्स की तरह ही है, जैसे कोल्ब्स में मैंने बताया है आपको यहाँ से पाई बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे CCl2 इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे NA प्रेजेंट होगा। अब वही चीज़ है, पूरा डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनों का, अल्टीमेटली यहाँ से H एटम निकल के इस पे आके ऐड हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि पहले मैंने बता दिया है, पहले भी आपको देख लीजिए इसको थोड़ा सा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एब्स्ट्रैक्ट किया CHCl और यहाँ देखिए Cl और यहाँ पे आपका अल्टीमेटली ये सारा बॉन्ड ऐसा बन जाएगा ONA। अब ऐसे बनने के बाद आपको क्या करना है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH से रिएक्शन कराएंगे आप। रिएक्शन कराने के बाद क्या हुआ, देखिए जो Cl प्रेजेंट है इसको ये OH अपना रिप्लेस करेगा, देखिए बेंजीन ONA, तो यहाँ बना CH और यहाँ बना OH और OH। मैं दोबारा से यहाँ बनाता हूँ, देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास बेंजीन था और यहाँ पे ONA प्रेजेंट था और यहाँ पे CH और यहाँ पे OH। ये जो कार्बन, इसको हम जेम कार्बन कहते हैं, जेम कार्बन से हमेशा देखिए जब OH प्रेजेंट है वहाँ से वाटर निकल जाता है, तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ONA और यहाँ आ गया देखिए CHO, मतलब एल्डिहाइड इंट्रोड्यूस हो गया। फिर आप अगर थोड़ा सा इसमें एसिड डाल देंगे तो देन व्हाट हैपन, द फॉर्मेशन ऑफ OH एंड CHO, जो हम लोग यहाँ चाह रहे थे वही चीज़ हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल गया। इसे ये भी कहते हैं टू हाइड्रोक्सी बेंजल
डिहाइड प्रेजेंट है। इसमें ख़ास बात याद रखना है, कार्बीन इंटरमीडिएट मैंने कहा यहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड कार्बीन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल हेयर। यही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे एल्डिहाइड इंट्रोड्यूस करता है। होप, मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, और अगर आपको समझ में आता तो प्लीज़ आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर आप मुझे अपनी राय ज़रूर कमेंट कीजिए।